रविवार को तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई जगहों पर जाम लग गया तो कहीं पर जलभराव की वजह से लोगों को भारी परेशानी हुई। दोपहर में 3 घंटे की भारी बारिश से कोयम्बटूर शहर के कई इलाके पानी पानी हो गए और सड़कों पर हुए जलभराव की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया। लोग कई घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहे। तिरुचिरापल्ली के लालगुड़ी क्षेत्र के लोगों का कहना है कि रिहायशी इलाकों में बने स्कूल के मैदानों में पानी भर जाता है और पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में लोग इस इलाके में बीमारियां बढ़ने की आशंका जता रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक जलभराव होने से पानी में न सिर्फ कीड़े मकोड़े बढ़ेंगे बल्कि मच्छरों के पनपने की वजह से मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। எங்கள் வீட்டை சுற்றிலும் பார்த்தீங்கன்னாக்க கழிவுநீர் வாய்க்கால்கள் சரியாக தூர் வாராததுனால எங்கள் வீட்டை சுற்றிலும் கழிவுநீர் வந்து தேங்கி இருக்குது. இதனால் அதிகமான கொசு உற்பத்தி ஆகுது. கொசு உற்பத்தியினால் பார்த்திங்கனாக்கா நிறைய நோய் தொற்றுகள் வர இங்கே அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இந்த இடத்தை எங்கள் வீட்டை சுற்றிலும் பார்த்திங்கன்னா இந்த குடியிருப்பு பகுதியை சுற்றிலும் விளையாட்டு அரசு பள்ளியோட மைதானம் இருக்குது, கோர்ட் இருக்குது, போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்குது, ஸ்கூல் இருக்குது. இது எல்லாமே வந்து அதிக அளவில் பாதிக்கப்படும். கவர்மெண்ட் ஸ்கூலு அது பக்கத்தில் தான் இருக்கும். கவர்மெண்ட் ஸ்கூலு உமன் நகர்லேருந்து வர சாக்கடை தண்ணி, வயலில் தேங்கி நிற்கிற தண்ணி எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே இடத்துல எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் தெப்பமாட்டு தேங்கி நிற்கிது. அதனால் பள்ளி பாம்பு எல்லாம் வருது. சின்ன பிள்ளைய வச்சுட்டு நாங்கள் ரொம்ப இதாக இருக்கோம். கொசு தொல்லை தாங்கலை பகல்லையே, ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்குது. சின்ன பிள்ளைங்களாம் இருக்கிற ஏரியாலே வந்து இந்த தண்ணினால் பாம்பு ரொம்ப வருது. இதுக்கு ஏதாச்சும் எங்களுக்கு ஒரு வழி செஞ்சுட்டாங்க. இதை பற்றி எங்கள் இதுக்கு முன்னாடி புகார் தெரிவிச்சு நாங்கள் நிறைய இடத்துல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியும் ஆனால் இன்னும் எந்த ஸ்டெப்பும் எடுக்கல. அவங்க காவேரி நதி பர் ஹேகே நக்கல் வாட்டர் ஃபால் கா ஜல் ஸ்தர் பி பட் கயா ஜிஸ்ஸே தர்மபுரி ஜிலா பிரஷாசன் ஹை அலர்ட் பர் ஹே. प्रशासन ने वाटर लेवल के सामान्य होने तक पर्यटकों के स्नान करने या वाटर एक्टिविटीज़ में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही राफ्टिंग को भी रोक दिया गया है। इस दौरान टूरिस्ट वाटरफॉल के गेट पर ही खड़े दिखे। तेज हवाओं और भारी बारिश की वजह से करूर जिले के कुलीथलाई के पास बने लैंड ब्रिज पर पानी भर गया जिससे ट्रैफिक रुक गया। जिले के पबैया मपाडी इलाके में भी तालाब ओवरफ्लो हो गया जिससे आसपास के इलाकों में भारी जलभराव हो गया। सोमवार को स्कूल फिर से खुलने के साथ ही करूर ओल्ड जंग कोंडाम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के परिसर में पानी भरने से बच्चों और शिक्षकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं माता पिता और स्कूल के कर्मचारी पानी भरने की वजह से बीमारियों के बढ़ने के खतरे को लेकर परेशान है। मदुरई में मणिनगरम रेलवे फुट ब्रिज के पास भारी बारिश की वजह से आए वाटर फ्लो में एक कार बह गई। हालांकि उस कार में से 3 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 14 से 16 अक्टूबर के बीच तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अलग अलग जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की आशंका है।